चौधरी देवीलाल जी के आज 107वीं जयंती पे सभी हरियाणावासी देशवासी शुभकामनाएं देते हैं। चौधरी देवीलाल जी ने छोटी उम्र से लेकर अपने जीवन के अंत समय तक किसान कमेरे वर्ग के लिए संघर्ष किया। चाहे वो आज देश में जो बुढ़ापा पेंशन, कर्जा माफ़ी, गरीबों के लिए चौपाल और ओलावृष्टि मुआवजा, ये जितनी भी योजनाएं थी जो कि कभी किसी राजनीतिक दल ने नहीं सोचा था, चौधरी देवीलाल जी द्वारा लागू की गई। और आज जिस तरह की समस्याएं देश में हो रहे हैं, आज उनके जन्मदिन पर हम ये कामना करते हैं कि किसानों की ये समस्याएं सुलझाई जाएं, क्योंकि किसान आज सड़कों पे आ रहा है, उनकी शंकाएं दूर की जाएं और चौधरी देवीलाल जी जैसा कोई और अन्य नेता आए और किसान, गरीब, मजदूर और छोटे दुकानदार की बात सोचे और उनको आगे बढ़ाए। मैं गरीबों, मजदूरों के मसीहा, किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल जी की जन्मदिन पर प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि चौधरी देवीलाल जी एक व्यक्तित्व नहीं, एक संस्था थे जिनकी सोच किसान के प्रति भी तरक्की करने की थी, मजदूरों के प्रति भी थी, देश के प्रत्येक नागरिक को लिए उन्होंने संघर्ष किया। और पूरा आज़ादी जो है 1977 में चौधरी देवीलाल जी ने लोगों में इतनी जागृति लाने का काम किया कि पहले एक गांव में एक सिपाही आके सारी पब्लिक को कंट्रोल कर लेता था, लेकिन उन्होंने ऐसी जागृति लाई कि SPDC वगैरह मुख्य अधिकारी जो हैं वो बाहर पेड़ के नीचे बैठकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। चौधरी देवीलाल जी पब्लिक से जुड़े हुए नेता थे और उन्होंने पब्लिक के लिए, जो पब्लिक की सोच को लेके काम करते थे, बुढ़ापा पेंशन, किसानों के लिए और काम किए, और हर चीज़ उन्होंने लोगों से सलाह मशवरा करके और देश में लागू करने का काम किया। पेंशन स्कीम वगैरह जो है सर्वप्रथम हरियाणा में लागू की गई और उसके बाद सारे देश में पूरा मॉडल तैयार किया गया, सब पूरे देश में लागू किया।